मुखातिब नहीं हूं, ये मैसेज है और बबांगे दौर है। जब शाहमंद रानी रहमतुल्लाह अलैह मदीना गुंबद कलरा की सियासत का झंडा लेकर मैदान अमल में उतरे, उन्होंने वोट लिए। उन्होंने क्या किया? वोट लिए। सबसे अहम बात आपको यह समझानी है कि वोट की क्या अहमियत है। उन्होंने वोट लिए, वो असेंबली में पहुंचे, वहां उन्होंने करारदाद पेश की कि कादियानी काफर है, लिहाजा इनको इस बात से रोका जाए कि ये अपने आप को मुसलमान नहीं कह सकते। पाकिस्तान की मरकजी क्यादत मौजूद है, उनके साथ कसीर तादाद में सादात उलमाए कराम मुशायखे अज़ाम मौजूद हैं। बिल्कुल मुख्तसर वक्त के लिए हुक्म की तामील करते हुए, जो दिन आज हम मना रहे हैं, ये दिन हमें हासिल कैसे हुआ? इतना अजीम दिन जो आज हम जिसकी गोल्डन जुबली मना रहे हैं, ये हमें हासिल कैसे हुआ? मुख्तसर बात है, पीर मेर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह ने काने को चैलेंज किया लाहौर में और ये फरमा कर आप अपने आस्थाने से निकले कि मेर अली शाह ऐसी बेगैरत फकीरी पे लानत भेजता है कि उधर मेरे आका मौला के खत्मे नबूवत पर हमला हो जाए और मेर अली शाह अपनी खानगाह में बैठा रहे। ये पैगाम उनके बाद कायदे मिल्लत इस्लामिया शेखुल हदीस हाफिज खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह ने उम्मत को दिया, सिखाया और याद कराया। पीर मेर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के चैलेंज पे वो कज़्ज़ाब वो दज्जाल वहां न आया, लेकिन अहले हक के जो ईमान थे उनको मजीद तकवीयत मिली, उनके हौसले मजीद बुलंद हुए, उनके ईमान को जला मिली। लेकिन सोचने वाली बात दोस्ताने मोहतरम ये है कि कादियानियत का रास्ता नहीं रुका। ये बात जरूर वाजिया हो गई, मजीद वाजिया हो गई कि कादियानी काफर हैं, लेकिन इसके बावजूद उस मनाजरे के बाद जिसमें वो भाग गया, उसके बाद भी कादियानी अपने झूठे मजहब की तबलीग भी करते थे, वो अपने आप को मुसलमान भी कहते थे और वो अपनी इबादतगाह का नाम मस्जिद भी रखते थे। ये बात सोचने वाली है कि कादियानियत का रास्ता कैसे रुका। 1953 से तफ़ज़े खत्मे नबूवत की तारीख चली, शाहमंद नूरानी रहमतुल्लाह अलैह, नियाज़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह और दीगर उलमा और मशाइख ने चलाई, वो सिलसिला चलता चलता 1973 तक पहुंचा। 20 साल ये तहरीक चली, 10,000 लोगों ने हुजूर अलैहिस्सलाम के गुलामों ने आपके खत्मे नबूवत पर पैरादारी करते हुए अपनी जानों के नजराने पेश किए, लेकिन बड़े वसूख से और आपकी त्वचा लेकर ये बात कह रहा हूं, उसके बावजूद भी कादियानियत का रास्ता ना रुका। क्योंकि जिन शहदा ने कुर्बानियां दी, हमारा लाखों सलाम है उनको, दोनों हाथों से सलूट है, लेकिन मक्की गुंबद गजरा के गुलामों ये बात सोचनी होगी कि कादियानियत का रास्ता रुका कैसे। शहादतें भी दी गई, मुनाजरे भी किए गए, रैलियां भी निकाली गई, तकरीरें भी की गई, कॉन्फ्रेंस भी बड़ी बड़ी इनकाद की गई, लेकिन कादियानियत का रास्ता रुका कैसे? जो
मुसलमान नहीं कह सकते। गर्ज या शायरे इस्लाम इख्तियार नहीं कर सके। दोस्तान मोहतरम, ये वो बात थी, ये वो इकदाम था, ये वो स्टेप था जिससे कादियानियत का रास्ता रुका। जिन्होंने 10,000 लोगों ने अपनी जानों के नजराने पेश किए, उनको करोड़ों सलाम, लेकिन जिनके वोट से, जिनके वोट से शाहमंद नूरानी रहमतुल्लाह अलैह, नियाजी साहब रहमतुल्लाह अलैह असेंबली में पहुंचे और कादियानियत का रास्ता सुबह कयामत तक के लिए रोक दिया, मुझे बताओ उनके वोट का कितना मूल्य पड़ेगा। यही पैगाम मेरे कायदे मिल्लत इस्लामिया शेख उल हदीस आफज खादम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह आपको दे के गए हैं कि हमने वोट की पावर से नूरानी साहब ने कादियानियत का रास्ता रोका और हमने वोट की पावर से हुजूर का दीन नाफज करना है। लोह कलम तेरे या रसूल अल्लाह।